साल 2008 के आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी के स्थायी प्रभाव के बावजूद अत्यधिक गरीबी में रहने वाले मजदूरों की संख्या में काफी गिरावट आई है। विकासशील देशों में अब देश के रोजगार का लगभग 34% मध्यम वर्ग कमाता है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, लेकिन अभी भी इसकी वृद्धि धीमी है। वर्गों के बीच असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। श्रम शक्ति बढ़ी है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2015 में 204 मिलियन से अधिक लोग बेरोजगार थे। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और जेंडर की वजह से वेतन में पड़ने वाले अंतर को कम करने के लिए और भी अधिक प्रगति की आवश्यकता है। सभी को इज्जतदार नौकरी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट मुहैया कराना भी विकास के परिमाणों में से एक है। SDG निरंतर आर्थिक विकास, उच्च स्तर की उत्पादकता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं के बलबूते पर गुलामी और मानव तस्करी जैसे अपराध खत्म किए जा सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए साल 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए इज्जतदार काम हासिल करना ही SDG का 8वां लक्ष्य है।